बसमलर रही आज उलमा का एक मुख्तर इजलास हमने यहाँ बुलाया था और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सब सब अकाबरीन का कि सारे ही यहाँ पर मौजूद हैं और हर मसल की यहाँ पर नुमाइंदगी हो रही है तो बुनियादी लिहाज से अलहदुल्ला तमाम उल्मा और तमाम मशाइ इस बात पर मुतफ़ हैं कि इस मरहले पर जबकि जम्मू कश्मीर के मुसलमान एक बहुत ही नाजुक और बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं हमें हर कोशिश ये करनी है कि वहदमा की बुनियाद पे हम सब मजबूत और मरबूत और मुकम्मल इतिहाद और यकजहती का मुजाहरा करें और इन शाह आज के इजलास में हमने ये फैसला किया है कि इस मशावरत को हम मज़ीद आगे बढ़ाएँगे हमारा जो फोरम है मुतह मजदिमा का उसको हम मज़ीद तो देंगे उसमें मज़ीद हम नुमाइंदगी बढ़ाएँगे और कोशिश ये होगी कि जम्मू कश्मीर के हर तबके से यहाँ नुमाइंदगी हो हर मसलक से नुमाइंदगी हो हर ख़त्ते से नुमाइंदगी हो और खासकर कर जो हमारी मसाजिद हैं हमारे खानकाह हैं हमारे इमाम बाड़े हैं और जो हमारे हैं जो उलमा इस उम्मत का असासा हैं इन हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे मुक़दस एयाम होते हैं मुकदस जो मकाम में जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उसमें फोकस जो है हमारा इतिहाद और यकजहती पर होगा अगरचि हम ये बात भी तस्लीम करते हैं कि मसल की इखिलाफा हैं की नज़र में कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिन पर कि हर एक मसल की अपनी अपनी राय है लेकिन हमने ये फैसला किया है कि हमारी जो आ, हमारे जो फोरम्स हैं हमारे जो मेबर हैं हमारे जो महराब हैं इन शहाँ से सिर्फ और सिर्फ इतिहाद यकजहती और इतफाक़ और इतिहाद बैनमसलम की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा और हम कोई ऐसी बात या ऐसा तफरक का बर्दाश्त नहीं कर सकते इस मरल पर जिससे कि इस इस कौम में इंतशार पैदा हो इस कौम में जो है वो ना इतफाक़ी पैदा हो और हमने हम अपनी अपनी जमातों के हवाले से भी अपने अपने जो हमारे इंस्ट्यूशनस हैं उनके हवाले से भी इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ऐसी कोई बात न हो जिससे कि उम्मत में इख्तिलाफ और इंतशार का खुदा न खास्ता कोई ऐसा पहलू सामने आए और वक्तन फवक्तन अगर कोई इशू होता भी है तो हमने फैसला किया है कि फ़ौर एमरजेंसी बुनियादों पर हम बैठा करेंगे और उसका हम सदबाब निकालेंगे और हम खासकर तमाम लोगों से अपील करते हैं कि सोशल मीडिया का एक हम समझते हैं कि मीडिया और सोशल सोशल जो हमारा मीडिया है उसका एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है असर है लेकिन हम उस हवाले से भी अपील करना चाहते हैं कि उसका गलत इस्तेमाल खुदा ना किया जाए आ, ऐसे पोस्ट न किए जाएँ जिससे कि ना इतफाक़ी जिसमें बढ़े जिसमें इंतशार बढ़े जिसमें आप भी आपसी नफरत बढ़े हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वैसा हम तरीक़ार वज़ा करें कि इस मरले पर इतिहाद और यजहती के दामन को और वातसेमू बेहबिल्ला जमीन वला तफरक का जो हमारा शाद खुदाबंदी है उस बुनियाद पर और कलम वहदत की बुनियाद पर इनशाला हम मुतफ़ हैं और अभी तक जो इशूज़ जो मुहरम के हवाले से जो कुछ मामला जो सामने आए और उस पर जो बयानबाजियाँ भी हुई उसका हमने बहुत डिटेल में जायज़ा लिया और हमने ये फैसला किया है कि इस मामले के हवाले से भी जो है वो आइंदा किसी को कोई गलत बयानी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी कोई इंतशार का बयान हमारे मंबर से हमारे स्टेजों से या हमारे फोरमों से या हमारे पार्टी से जो है वो नहीं निकलेगा अगर 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 कोई निकलता भी है तो उसके खिलाफ मुश्तर मिल के हम कार्रवाई करेंगे और अवाम में ऐसे लोगों को को जो है वो आ, मैं कहूँगा कि किमाम में उन उन, सा, उन लोगों उन को नासिर को सामने लाया जाएगा कि जो इस नाजुक मरले पर मिलत के और इस जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के इतिहाद को जो लोग जख्म पहुँचाना चाहते हैं आ, उ, 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 उसकी हम इजाज़त हरगेज नहीं दे सकते और इन श हमने ये भी फैसला किया है कि जो भी मसाइल हों जो भी इशूज़ हों अगर कोई बात हो तो उसे हम मशावरत के साथ इफाम तफहीम के साथ जो है उस पर गौर किया करेंगे और आपसे भी ये गुजारिश है कि अगर आप कोई चीज़ रिपोर्ट करते हैं या आप कोई चीज़ मार्क करते हैं तो काइंडली इससे कबल कि आप उसको मीडिया में उछालें या उसको अपने अपनी चैनल्स के ज़रिए आप उस पर कम से कम हमारी नोटिस में पहले उस बात को लाएं और हम कोशिश करेंगे कि जिससे हम पहले मरले पर ही जो है वो इस इसका हम सदबाप निकाल सकें मुझे पूरा यकीन है कि अहमद हमारी जो यहाँ पर मुशतरक़मा की क्यादत है जो हमारे हर मसलक के यहाँ पर ज़िम्मेदार मौजूद हैं और पूरे जम्मू कश्मीर की मैं कहूँगा कि यहाँ पर नुमाइंदगी है और कुछ कुछ अफराद नहीं हैं इन श्रा आइंदा उनको भी दावत देंगे हमें हम वो सलाहियत मौजूद है इन सब में वो माशा इलमी जहन और सलाहियत मौजूद है कि हम अपने प्रॉब्लम्स का हम अपने इशूज़ का जो है सदबाब खुद निकाल सकते हैं मिल बैठ के और मैं कहूँगा कि बिल्कुल एक मैसेज आप यहाँ यहाँ से जाना चाहिए कि बिल्कुल सियाह सुन्नी बरेलीवी अहल हदीस तमाम दियोबंदी हम सब बिल्कुल मुतफ़ हैं हम सब इनशा बहदरत क़िले की बुनियाद पर ला महमद रसूल सल वसम की बुनियाद पर पूरी क्यादत जो है मुतफ़ है और इनशाला हम आइंदा पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा इंतशारी अमल कोई ऐसा इंतशारी बयान अगर सामने आता है जिससे कि उम्मत में और इस इस, इस इतिहाद को जख्म पहुँचने का अंदेशा हो इनशा उसका हम पहले ही सदबाव करेंगे इनशा ये बात आ, ये बात हम यहाँ वाज करना चाहते हैं कि जो आज की ये नशस्त है और इसका मकसद और मुद्दा ये है कि आवाम तक ये पैगाम जाए कि हम इतिहाद मिलत और इतिहाद बैनमसम के हाम के दायी हैं और इसको हम आगे ले जाएंगे किसी भी सूरत में किसी भी शख्स को हम इस अमन में अमन इतिहाद में रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे आज की इस नशस्त में मुख्तर ने मिरवाए साहब की मौजूदगी में ये अहद किया है कि हम इतिहाद को आगे ले जाएंगे और इसमें बहुत सारे लोगों को हम शामिल करेंगे जो बासर है मेसर शख्सियतें हैं और उनको अब भी हम आइंदा क्योंकि हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा है मसल के मसाइल तो छोटे मसाइल हैं लेकिन इससे बढ़ के हमारे सामने बहुत मसाइल हैं मॉरल डिग्रेडेशन का मसला है का मसला है, है।, है समाजी मसाइल है और उन मसाइल का हमने फैसला ये किया है कि उनका तदारक उनका सदबाव करेंगे हम और आ, आवाम की रहनमाई करेंगे जजाक शुक्रिया भी जो आगा साहब हमारे इनके तरफ से भी हम सब के तरफ से इन बस ये इतिहाद के लिए काम किया जा रहा है और इतिहाद को ही मद्देनजर रख कर ये फैसला लिया गया है ताकि मिलत के अंदर ऐसा कोई फितना पैदा ना हो जो उम्मत की शिराजी को बिखेर दे